फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, ये हरा धनिया है, ये सोया सॉस है, नमक, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, और ये सब्जियाँ, प्याज, अदरक, गाजर। कढ़ाई गरम कर लेंगे और ऑयल डाल देंगे। सब्जी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने हरा प्याज लिया है, गाजर था मेरे पास, और प्याज है, अदरक, लहसुन बारीक बारीक काट लिया है। ऑयल गरम हो जाए ना तो प्याज डाल देंगे हम। सारे सब्जियां भी एक एक करके जिसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गाजर डाल देंगे, हरा प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, सारे डाल के मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस सब्जियों को। हल्का, मतलब हल्का पक जाए तो उसके बाद हम इसमें सारे सॉसेस ऐड करेंगे। दो मिनट सब्जियों को पका लिया है, फिर हमने इसमें सॉसेस डालेंगे, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस। सॉसेस आप अपने हिसाब से, अपने स्वाद के अनुसार डालिए ना, बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करें तो आप तीखा डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला हुआ है इसमें, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद हमारे पास जो चावल है, उबले हुए चावल है, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम कम रखिएगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपके घर में जो भी सब्जी हो उसके साथ आप बना सकते हैं। हरा धनिया ऐड करके मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिला दें। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। बस ये आपके फ्राइड राइस रेडी है।
अभी आप इसको टिफिन में डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, कभी राइस बच जाए तो।